नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक चंबा चुगान में शनिवार को राज्य स्तरीय हिमाचल दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत तरीके से शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सदर विधायक पवन नैयर ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर उपायुक्त डीसी राणा व जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी भी विशेष तौर से मौजूद रहीं। उन्होंने बल्ले से बॉल को हिट करके प्रतियोगिता का विधिवत तरीके से आगाज किया। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अपनी ओर से 51,000 की राशि देने की घोषणा भी की है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 4 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतिष्ठित मैच विराजमान हो चुके हैं दिव्यांग क्रिकेट प्रेमी सदर विधायक श्री पवन नैयर जी को जिला खेल विभाग दोनों टीमों से परिचय के बाद यहाँ पे सभी इस वक्त जो 4 जिलों के जो टीम पूरे हिमाचल को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके सभी प्रतिभागीगण, मीडिया से आए मेरे प्यारे मित्रों और हमारे दानी सज्जनों जिनके सहयोग से हम आज इस क्रिकेट की जो दिव्यांग क्रिकेट की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन कर पा रहे हैं। मैं सबसे पहले माननीय एमएलए महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम में आके अपने शिरकत की और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर, कुछ समय पहले एक चंबा जो हमारे दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन थी उन्होंने पुलिस ग्राउंड में एक मैच करवाया था और वहाँ मुझे जाने का मौका मिला था। तब इन लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि चंबा में हमें स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन दिव्यांगों का जो क्रिकेट एसोसिएशन से उसका करवाना चाहिए और आज ये जो इन लोगों की इच्छा थी उसको हम साकार करने में सफल रहे हैं और इसके लिए हमारे डीएसओ साहब, हमारे यहाँ की जो चंबा जिला की जो एचपीसीए की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मनु शर्मा जी जिसको देखते हैं और भाटिया जी जो प्रेरणा दी इंस्पिरेशन के अध्यक्ष हैं और काफ़ी चैरिटी का काम करते हैं और इस तरह से बहुत सारे संस्थाओं के सहयोग से आज हम इस क्रिकेट प्रतियोगिता का यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरी सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि वो अच्छा खेलें और मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ से जो टीम विजेता होगी वो नेशनल लेवल पे भी खेलेगी। चंबा के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह के टूर्नामेंट का वो हालांकि उसका स्केल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मुझे लगता है उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है कि हम ऐसे वर्ग का भी ख्याल रख रहे हैं जिनको जनरली हम उतनी महत्वता नहीं देते जबकि हमें देनी चाहिए और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिजिकल चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट में उपस्थित डीसी चंबा आदरणीय श्री डीसी राणा जी, जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नीलम कुमारी जी, जिला स्पोर्ट्स अधिकारी आरसी दीवान जी, मेजर एस सीनियर जी श्री मनु शर्मा जी, मेरे साथ आए हुए मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, मंच पर असीन सभी अधिकारीगण और मेरे पत्रकार गण। आज का दिन चंबा के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज चंबा के ऐतिहासिक ग्राउंड में जो है फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो है ये टूर्नामेंट का 4 दिन का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें ये 25 से 28 जून तक जो ये टूर्नामेंट चलेगा और इसमें 4 टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये 4 टीमें पूरे हिमाचल से हैं सर, क्योंकि हर एक टीम में 3-3, 4-4, कोई मंडी से आए, कोई बिलासपुर से आए, कोई गुना से आए, ऐसे करके इन्होंने 4 टीमें इसमें बनाई हुई हैं और ये 4 टीमों जो है इसमें टूर्नामेंट होगा। इसमें 40% से ऊपर जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं ये इसमें जो है खेल रहे हैं और इस वक्त प्रदेश में 3 एसोसिएशन हैं, एक ब्लाइंड, एक व्हीलचेयर और ये तीसरी जो है फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन। और मैं अनुराग ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बीसीआईसी ने भी इनको जो है इसको जो इसकी अप्रूव दी हुई है, उसके लिए मैं अनुराग ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी मैं भी डीसी से बात करूँगी इसका खर्च कौन कर रहा है।
तो उन्होंने कहा ऐसे ही हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह मेरे को एसोसिएशन के मेंबर भी मिले थे, इनसे ही मैंने बात की, उन्होंने कहा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पूरी हेल्प कर रही है। तो मैं इसके लिए डीसी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जब से आए कुछ ना कुछ चंबा में भी बात कर, चंबा में कुछ ना कुछ लगा हुआ। और मैं जो इस टूर्नामेंट अपनी ओर से 51,000 रुपया जो है अपनी ओर से देता हूँ, और मेरी सबसे ये निवेदन है कि इसका मेन उद्देश्य था कि ये जितने भी बाडी का जो इसका प्रतिभा को निखारना है इसको, और इनको इतनी सुविधा नहीं मिल रही जितनी इनको मिलनी चाहिए। तो मेरे सबसे ये निवेदन है कि इसे सहानुभूति नहीं करनी चाहिए, परंतु इन्हें सहयोग करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जो है ये टूर्नामेंट जो आप इसको पूरी अच्छी तरह से करेंगे। इसके साथ एक बार पूर्ण और जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी स्टेट के आए हुए हैं, इनका ही मैं यहाँ पर आने पर इनका धन्यवाद करता हूँ। आज हिमाचल दिवंग हैंडीकैप स्टेट चैंपियनशिप चंबा में 24th चैंपियनशिप जो है चंबा में फर्स्ट टाइम हो रही है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि ये चंबा में पहली दफ़ा यहाँ पर हुई, और जिसके अंदर हम जो दिवंग प्लेयर हैं उनको देखने का मौका मिल रहा है। ये जो आपका सफलता हुई है, मैं इसके लिए डीसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि डीसी साहब जब से चंबा आए हैं कोई ना कोई डेली कोई ना कोई टूर्नामेंट कोई ना कोई आइटम चंबा में होती जा रही है, जिसके लिए चंबा के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो विजय सेक्रेटरी है मुझे याद है, इसको करंट लगने से इसका 80% इसका जल चुका हुआ था ये, क्योंकि मेरे साथ इसका पहले संपर्क था। ये हमारे टाइम में भी अंडर 16-19 खेल चुका है, तो मैं इसको ले गया था डीसी अपने ममता साहब से, तो उन्होंने इसकी मदद की थी, और अब 2-2.5 साल ये वहाँ पर रहा PGI में, और देखो भगवान की ऐसी कृपा हो कि आज ये बिल्कुल अपने टांगों पे खड़ा है। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन फिर भी खेल रहा है, और इसने हिम्मत की कि चंबा के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया जाए। आपको बता दें कि हिमाचल के अंदर नहीं बल्कि इंडिया के अंदर दिवंग का ही नहीं बल्कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है, इसका वर्ल्ड का भी होता है, और चंबा हिमाचल इसका पहले चैंपियन मिला, इंडिया इसका चैंपियन मिला चुका है वर्ल्ड के अंदर ब्लाइंड का। और इस तरह जो बिल्कुल हैंडीकैप चेयर चल नहीं सकते हैं वो भी टूर्नामेंट ऑन चेयर, ये भी एक टूर्नामेंट होता है चेयर्स के ऊपर, और उसके भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ये भी इसको रैंकिंग दी गई हुई है इसको, और इसी तरह ये जो हैंडीकैप इसको भी रैंकिंग दी हुई है। अब जो ये टूर्नामेंट चंबा में हो रहा है, 4 टीमें हैं इसकी, ये लीग मैच खेलेंगे और ये 25-28 तक चलेगा। इसमें जो टीम विजेता होगी या इसमें जो अच्छे खिलाड़ी दिखाई देंगे वो टीम सेलेक्ट करे, फिर जो नेशनल के लिए हिमाचल से टीम जाएगी तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमें बड़ी खुशी की बात है कि अपने पवन अय्यर लोकल MLA वो भी आए थे, उन्होंने भी धनराशि इनको दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनको और भी अगर चंबा के दूसरे भी और कोई है वो भी अगर इनके को मदद करना चाहें तो दे आर वेलकम। और ये भगवान से यही प्रार्थना है कि ये टूर्नामेंट, मैं तो डी साहब से यही प्रार्थना करता हूँ और प्लेयरों से कि हर साल ये टूर्नामेंट एक राउंड कम अज़ कम हिमाचल का चंबा के अंदर दिमाग इसका जो है, जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में एक मैच होता है, इस तरह यहाँ भी हर साल हो, ताकि लोगों को क्रिकेट के अंदर काफ़ी खुशी और इसके अंदर इंटरेस्ट रखे। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा क्रिकेट एसोसिएशन फॉर दिव्यांग का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपको पता है कि चंबा के इतिहास में हम एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति हम एक ऐसा टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, जो कि चंबा ही नहीं बल्कि प्रदेश का एक ऐसा टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला के जितने भी एसोसिएशन हैं वो इस दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट को करवाने में हमारी पूर्ण सहयोग कर रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इसी तरह का ये हमारे चंबा ही नहीं प्रदेश में और देश में ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति टूर्नामेंट होते रहे। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी गवर्नमेंट है उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि दिव्यांग खिलाड़ियों में जो टैलेंट है उसको दिखाने के लिए इस तरह से इवेंट होते रहे, और जो उनमें टैलेंट छुपा है उसको दिखाने का एक अच्छा मंच गवर्नमेंट की तरफ से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी दिया जाए, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट करवा रहे हम जिसमें प्रदेश के हर ज़िले से खिलाड़ी इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें 4 टीमें बनाई गई है, चंबा, मंडी, बिलासपुर और शिमला।
इनके लीग्स मैच होंगे, लीग्स मैच के बाद इनका फाइनल करवाया जाएगा जो कि 28 तारीख को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। और इसमें प्रदेश भर से सभी जिलों से खिलाड़ी भाग रहे हैं, ले रहे हैं खिलाड़ी। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच दिलाने का, तो उसके लिए हम बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आया हूँ और मेरा नाम अनिल भारद्वाज है और हम इस लीग का हिस्सा बनने आए हैं जो चंबा में हो रही है। एक राज्य स्तरीय लीग हो रही है जो बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और अब इसमें चार टीमों ने भाग लिया है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, मंडी और चंबा। तो ये जो लीग हो रही है बहुत अच्छी लीग हो रही है जो एक राज्य स्तरीय लीग है, तो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और काफ़ी देखा हमने जो रेजिमेंट है यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया हुआ है। सर ये जो विकलांग प्रतियोगिता हो रही है तो ये इससे पहले भी कहीं पर हुई है या ये पहली बार चंबा में होने जा रही है? चंबा में तो सर पहली बार हो रही है, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मंडी हटगढ़ जो एक ग्राउंड है वहाँ पे होती आई है, कुल्लू में भी हुई है और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में हुई है, पर जो चंबा में पहली बार होने जा रही है और चार टीमों ने हिस्सा लिया है तो अच्छा। आपके साथ सर सभी विकलांग जो है आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने करे हैं सर, कितने पार्टिसिपेंट यहाँ? पार्टिसिपेंट कम से कम सर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ तो 40-42 लड़के हैं, 45 लड़के हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है इस प्रतियोगिता में। तो काफ़ी अच्छा, अच्छे सारे लड़के दूर दूर से आए हैं तो इसका हिस्सा बनने तो अच्छा है सारा। कैसा लग रहा है चंबा में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर झुनुक्का से यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ। मेरे को अभी तो खेलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट इससे पहले मैंने जब मैं हैंडीकैप नहीं था एक्सीडेंट से पहले तो मैंने अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ले खेला था। अभी मेरे को लगभग 1.5 साल हुआ एसोसिएशन से जुड़े हुए, तो मैं यहाँ पे चंबा प्रशासन और गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन किया है। इससे सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलता है और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे हमारे पूरे हिमाचल से साथी खिलाड़ी आए, उनसे मिलके अच्छा लगा। सभी अभी गेम स्टार्ट होगी तो देखते हैं और क्या बनता है। और चंबा का बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया मैं यहाँ पे, थैंक यू फॉर एवरीवन। तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आ रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लिए ही खेल रहा हूँ। तो ये जो आप किस तरह से जो है खेल रहे हैं? मैं एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा हूँ।